हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बर्निंग टॉपिक के बारे में, और इस टॉपिक का नाम है पेनिस एनलार्जमेंट, कि पेनिस के लेंथ और ब्रेथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास क्लिनिक में आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारे पेनिस का साइज स्मॉल है, छोटा है, उनको ऐसा लगता है, और मेरी शादी होने वाली है, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, तो आप ज़रूर देखिए, मुझको ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम पेनिस के साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आज का टॉपिक आप ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का जो विषय है हमने काफ़ी रिसर्च से बनाया है, ताकि आपको कंप्लीट साइंटिफिक और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकें। और पेनिस, नॉर्मल पेनिस का साइज़ क्या है हम आपको वो बताएंगे, पेनिस के छोटा होने के कारण, स्मॉल पेनिस यानी कि माइक्रो पेनिस होने के क्या क्या कारण है वो बताएंगे, फिर पेनिस को एनलार्जमेंट यानी पेनिस के साइज़ को बड़ा करने के क्या क्या मॉडलिटीज़ हैं, क्या क्या तरीके हैं जो मेडिकल फील्ड में अवेलेबल हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे, ये सर्जरी या दवा जो भी है इसका क्या कॉस्ट है, क्या सेफ्टी है और कहाँ कहाँ होती है, ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट देने वाले हैं। दोस्तों, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कॉजेज, यानी कि पेनिस का छोटे होने के पीछे कारण क्या है। दोस्तों, जो नॉर्मली पाया गया है इसके पीछे दो कारण हैं, एक है हार्मोनल यानी कुछ हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, HCG हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से पेनिस की साइज नॉर्मल से छोटी होती है। और दूसरा कारण है जेनेटिक यानी कि खानदानी, हेरिडिटरी, कुछ जीन्स के वजह से पेनिस की साइज़ छोटी होती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट वजह है पेनिस की साइज़ छोटी होने की। दोस्तों, एक और देखा गया है कि कुछ लोगों को लगता है कि उनकी पेनिस की साइज़ छोटी है, हालांकि एग्जामिनेशन करने पर यह देखा जाता है कि पेनिस की साइज़ छोटी नहीं है, बस वो फील करते हैं, वो खुद ही महसूस करते हैं कि उनकी साइज़ छोटी है। तो एक कारण ये भी हो गया, साइकोलॉजिकल कारण हो गया कि पेनिस की साइज़ छोटी है। तीसरा जो कारण है दोस्तों, वो है बरीड पेनिस। बरीड पेनिस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें पेनिस की साइज तो सही है, नॉर्मल है, परंतु वो हमारा जो पेशेंट होता है उसके पेट के ऊपर जो चर्बी होती है या थाइज होती है, स्क्रोटम होता है, उसके अंदर छिप जाता है। तो नॉर्मल पेनिस होते हुए भी उसकी जो पेनिस अंदर छिपने की वजह से, बरी होने की वजह से वो छोटी दिखती है, तो इसको बोलते हैं बरीड पेनिस। और इसमें पेनिस की साइज़ तो होती है नॉर्मल, पर वो दिखती है छोटी, तो इसको भी सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो नॉर्मल ये दोस्तों थ्री कॉजेज, ऐसे तीन इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं पेनिस के साइज छोटी दिखने का, ये पेनिस का साइज छोटी होने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नॉर्मल पेनिस क्या है। दोस्तों, अगर आपको नॉर्मल पेनिस का इंफॉर्मेशन होगा तो बहुत सारे बहम निकल जाएंगे, मिथ्स निकल जाएंगे कि मेरा पेनिस छोटा है, मुझको दवा लेने की ज़रूरत है, मुझको सर्जरी की ज़रूरत है। छोटे पेनिस का जो दिमाग में कीड़ा होता है उस वजह से डिप्रेशन आ जाता है, इमोशनल ड्रेन हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। इसलिए हम आपको पहले बता दें नॉर्मल पेनिस की साइज़ क्या है, एक एवरेज पेनिस की साइज़ क्या है। दोस्तों, जो एवरेज पेनिस की साइज़ है, जो रिसर्च में देखा गया है, ऑथेंटिक साइंटिफिक, तो दो पोजिशन में पेनिस की साइज़ नापते हैं। एक है इरेक्ट पोजिशन, उसमें पेनिस की साइज होती है नॉर्मल 5 इंचेस टू 5.5 इंचेस इरेक्ट पोजीशन में। और जो नॉन इरेक्ट पोजीशन में, उसको हम फ्लैसिड पोजीशन बोलेंगे या रेस्टिंग पोजीशन में बोलेंगे, उसमें पेनिस की साइज होती है 3.6 इंचेस। तो ये नॉर्मल पेनिस की साइज आपको ध्यान में होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, 85% लोगों को ऐसा लगता है उनकी पेनिस की साइज छोटी है, परंतु रिसर्च में ये पाया गया है कि 100 में से 95% लोगों की पेनिस की जो साइज है वो एवरेज है, एवरेज से ज़्यादा है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये वहम है कि उनकी पेनिस की साइज छोटी है। ये सब गलत वीडियोस वगैरह देखने से होती है दोस्तों, तो वो सब दिमाग से निकाल दीजिए। आज हमने नॉर्मल पेनिस की साइज़ आपको बता दी, दैट इज़ 5 to 5.5 इंचेस, इस लेंथ में है, सफिशियंट है। जो पेनिस का जो साइज़ है, जो काम है, वो है नॉर्मल सेक्स करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, यूरिनेशन करना, उस पेशाब करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिप्रोडक्शन यानी कि बच्चे पैदा करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, अब है कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उपाय हैं जिन लोगों का पेनिस छोटा है या उसको लगता है छोटा है तो उसको
बढ़ा सकते हैं, क्या क्या इंडिकेशंस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं, तेल लोशंस हैं जिससे पेनिस की साइज बढ़ाने का दावा करते हैं। दोस्तों ये सब फ्रॉड है, ये सब मिसलीडिंग है, ये सब मिसगाइडिंग है। ऐसी कोई टैबलेट, पिल, लोशन, क्रीम, जेल नहीं आता जिससे कि पेनिस की साइज बढ़ा सकते हैं। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, कुछ उपाय देखने मिलेंगे आपको नेट पे, कुछ पेनिस पम्प्स हैं, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, जेलकिंग, ये सब टेम्प्रेरी उपाय हैं और डॉक्टर्स इसके खिलाफ है, मेडिकल एक्सपर्ट्स इसके खिलाफ है, वो ये सजेस्ट नहीं करते। जो आजकल अच्छे सेंटर्स में, अच्छे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे अच्छे सर्जन्स अवेलेबल हैं हमारे इंडिया में, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, एक्सपर्ट कॉस्मेटिक सर्जन्स, जो ये सर्जरी करते हैं जिससे पेनिस की साइज बढ़ती है, एनलार्जमेंट होती है, इस प्रोसीजर को, इस ऑपरेशन को बोलते हैं फैलोप्लास्टी। दोस्तों फैलोप्लास्टी दो तरीके से करते हैं, एक तो होती है लेंथ बढ़ाने के लिए और एक होती है विड्थ बनाने के लिए, उसका गर्थ बढ़ाने के लिए। जो लेंथ बढ़ाने के लिए फैलोप्लास्टी होती है दोस्तों, उसके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं जो पेनिस को पकड़ के रखता है उसको थोड़ा लूज करते हैं। इससे पेनिस क्या होता है, मानो इधर अटैच्ड है तो पेनिस लिगामेंट्स जो पेनिस को पकड़ के रखती है उसको लूज करने से पेनिस थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाता है। ऐसे दिखने में अच्छा लगता है कि पेनिस की साइज है, लेंथ है, वो बढ़ गई है। और इस प्रोसीजर से पेनिस की जो साइज है रेस्टिंग पोजीशन में 2 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ सकती है और इरेक्ट पोजीशन में 1.5 सेंटीमीटर तक इसकी जो लेंथ है बढ़ सकती है। इसको बोलते हैं लिगामेंट एडजस्टमेंट या लिगामेंट लूजनिंग। ये है पेनिस की लेंथ बढ़ाने के लिए प्रोसीजर। और जो दूसरा प्रोसीजर है वो है पेनिस की विड्थ बढ़ाने के लिए, चौड़ाई बढ़ाने के लिए। इसमें दो तरह के प्रोसीजर होती है जो पेनिस की मोटाई को बढ़ाते हैं। पहला प्रोसीजर बोलते हैं उसको हम माइक्रोफैट इंजेक्शन, यानी कि पेनिस के अंदर फैट का इंजेक्शन लगता है। दोस्तों फैट यानी कि चर्बी, ये चर्बी हमारे शरीर से, यानी कि जो पेशेंट है उसके शरीर से लेते हैं लिपोसक्शन के द्वारा। उस फैट को लिपोसक्शन से द्वारा लेबोरेटरी में साफ किया जाता है और पेनिस के अंदर यूनिफॉर्मली पूरे पेनिस के अंदर स्पेशल नीडल से इंजेक्ट किया जाता है और इस तरह से पेनिस की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर। काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है, इजी प्रोसीजर है। बस इसमें ये देखा गया है कि जो पेनिस की मोटाई है वो रेस्टिंग पोजीशन में भी बढ़ी रहेगी और इरेक्ट पोजीशन में भी बढ़ी रहेगी, परंतु सिर्फ 25% कुछ लोगों में 2-3 साल बाद में ये जो फैट है ये एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर वापस ये प्रोसीजर करना पड़ता है 25% लोगों में। और कम से कम 3-4 साल तक ये बहुत बढ़िया प्रोसीजर है, सेफ प्रोसीजर है और आजकल डॉक्टर्स इसको सजेस्ट करते हैं। जो दूसरा प्रोसीजर है पेनिस की गर्थ यानी चौड़ाई को बढ़ाने के लिए, उसको बोलते हैं डर्मल ग्राफ्टिंग। दोस्तों डर्मल ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि पेशेंट के शरीर यानी कि बटक से, थाइस से एक हिस्सा लेते हैं बॉडी का, उसको बोलते हैं डर्मिस। डर्मिस यानी कि जो स्किन के नीचे का हिस्सा होता है, स्किन के ऊपर का जो हिस्सा को बोलते हैं एपिडर्मिस और स्किन के जो निचला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डर्मिस। तो स्किन के नीचे का हिस्सा, एक अच्छा हिस्सा शरीर से लेकर उसको पेनिस को नीचे से कट करके उसमें फिक्स किया जाता है और पेनिस की चौड़ाई बढ़ाई जाती है। बहुत ही सेफ प्रोसीजर है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स इसको काफ़ी आराम से करते हैं। पेनिस की जो चौड़ाई है कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है और ये परमानेंट प्रोसीजर है दोस्तों, परमानेंट रिजल्ट्स मिलते हैं इसके। और ये आजकल काफ़ी किया जाता है जिससे पेनिस की सिर्फ चौड़ाई नहीं उसकी लंबाई बढ़ती है, पेशेंट और उसके पार्टनर को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है, भाई पेनिस एनलार्जमेंट हो गया। सेफ प्रोसीजर है और बहुत ही आराम से बड़े बड़े सेंटर्स हैं कुछ हमारे इंडिया में, वहाँ पर ये प्रोसीजर हो जाता है। तो दोस्तों फैलोप्लास्टी द्वारा पेनिस की साइज, लेंथ, ब्रेड को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कॉस्ट, सेफ्टी और सेंटर्स। कॉस्ट, जैसे जैसे अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग कॉस्ट है, लगभग 50,000 से लेके 1,00,000 तक के बीच में ये ऑपरेशन आराम से हो जाता है। काफ़ी सेफ्टी है, हर चीज़ के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक नॉर्मल छोटा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना चाहेंगे दोस्तों तो भी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, पर नॉर्मली ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी डॉक्टर्स आराम से संभाल लेते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको पेनिस एनलार्जमेंट
पेनिस नॉर्मल पेनिस की साइज़ क्या है, पेनिस छोटे होने के स्मॉल साइज़ के क्या क्या कारण हैं, पेनिस को बड़ा करने के इलाज करने के क्या क्या उपाय हैं, सारा बताया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपके उपयोगी होगा। इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोज़ हम आपको और ला कर दे सकें। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आपको कोई भी डाउट्स हो तो मैं आपको व्हाट्सअप कंसल्टेशन नंबर देता हूँ, आप उस पर मुझको कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिटेल में मिल जाएगा। थैंक यू।